कैथल के केवड़ा गांव में भाई रविंदर और रविंदर भाई के पास पशुओं की बात पशुपालकों के साथ पशुपालन विकास में देख रहे सभी साथियों गुरमीत कवि के हाथ जोड़कर राम राम है नमस्ते है। और आज हम पहुंच चुके हैं जिला कैथल के केवड़ा गांव में भाई रविंदर और रविंदर भाई के पास है। तो रविंदर भाई आपका स्वागत है, सारे भाई एक बार राम राम कर दो। राम राम जी। तो ये बुला आपके पास कितनी एज हो चुकी है? इसकी 14 महीने हो गई। 14 महीने का हो चुका है। कोई कंपटीशन वगैरह मेले मुले में लेके गए हो? ना जी, बस तैयारी है जी, पहली फेरी। अच्छा, पहली बारी तैयारी है। हाँ जी। नाथ नूथ कब डलवाई? ये अभी डलवाई थी जी, हो गया जी 20 दिन हो गए जी। तो 20 दिन हो चुके हैं जी। ठीक 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 है। फादर लाइन क्या रही इसकी? ये जी अर्जुन कुंगड़ का जी। अर्जुन कुंगड़ का है। डायरेक्ट क्रॉसिंग करवाई थी अर्जुन कुंगड़ से या सीमन रखवाया था? नहीं जी, लेके आए थे जी वहाँ से। अच्छा, आप खुद लेके आए? खुद लेके आए थे जी। बिल्कुल भाई, खुद अर्जुन कुंगड़ का सीमन लेके आने का काम किया था। तो इसकी मदर की बात करांगे, मिल्क रिकॉर्ड कितना रहा? इसकी मदर का जी 26 किलो 600 ग्राम था जी। 26 किलो 600 ग्राम जी। कहीं रिकॉर्ड भी हुआ उसकी इसकी मदर का, जैसे SLDB में या और कहीं? नहीं जी, हमने नहीं करवाया जी। अच्छा, वैसे घर पे ही रखी थी? ये कटड़ा है जी, जिसका बुल है, उसको घर पे ही तैयार किया था, कहीं से लेके आए थे? नहीं, वो बाहर से लेके आए थे जी। अच्छा अच्छा, अपना काम सेल परचेज का है जी या वैसे दूध का काम है? नहीं, दूध का काम है जी। बहुत बढ़िया बुल भाई साहब ने तैयार कर रखा है। डाइट क्या स्टार्ट की? दूध कब तक चुंगाया? सीधी सी बात तो इस पाओ पहले जाओ। दूध कब तक पिलाया इसको? दूध तो जब शुरू से लेकर आखिरी तक पिलाया जी। आखिरी तक जब तक मतलब इसकी माँ ने दूध दिया इसके लैक्टेशन में, जब तक दूध पिलाया। उसके अलावा डाइट स्टार्ट में क्या रहा, क्या कुछ खिलाने पिलाने का क्या कराया? बस जी, इसके अलावा तो बस ये अपना दलिया। अच्छा अच्छा, चने। हाँ। जौ, मक्का। अच्छा, कच्चा डालते हो या फिर पका के? ये क्या पका के जी, पूरा अच्छी तरीके से? हाँ जी, हाँ जी। सुबह शाम दोनों टाइम जी। और उसके अलावा घी तेल वगैरह कुछ? हाँ जी, घी भी दें जी, तेल भी दें। घी दें तो कितने दिन में देना चाहिए? ऐसा जी, वो तो मौसम के ऊपर बात है जी। हाँ हाँ। अगर मौसम में अभी गर्मी सी हो रही है। हाँ। तो अपना मतलब 2 दिन लगातार भी दिया जाए। अच्छा। एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के दे दो। एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ जी। तेल वगैरह कुछ है? तेल दिया जाए जी। तेल कैसे देते हो? तेल भी ऐसे दिया जाए, नाल नूर दे देते हो एक बांड में या चाट में? नाल के साथ, नाल भी देते हो? स्वभाव कैसा है? बहुत बढ़िया, शांत स्वभाव। तो अभी क्रॉसिंग वगैरह तो कहीं करवाई नहीं होगी? सब उस सबक छोड़ा नहीं होगा जी। ना जी। तो क्या सोच कर रविंदर ने इस बुल को पाला है? मेले लड़ने हैं, बेचना है? नहीं जी, मेले आगे तो आगे ब्रीडे तैयार करनी हो मैंने, तो सीमन बांटने हैं, मैसे करने सीमन ही बांटने हैं आगे, सीमन बांटने का काम करोगे? तो कब अवेलेबल हो जाएंगे सीमन इसके, कब देने लग जाओगे? जैसे देखो भी उसमें मेला में जाएगा पहली। अच्छा अच्छा, कितने दांत हो चुका है? खीरा है जी। अभी खीरा एक बार मुंह पाड़ के दिखा दो इसका, ताकि जो दो साथी देख रहे हैं उनको भी थोड़ा ये हो जाए कि हाँ खीरा है। ये देखो जी। हाँ बिल्कुल भैया, आप लोग देख भी सकते हो वीडियो के माध्यम से। तो सेल करने के बारे में रविंदर भाई क्या इरादा है? हाँ जी, अच्छी कीमत लग गई तो सेल भी कर देंगे जी। अच्छा, अच्छी कीमत? पहले कोई व्यापारी व्यापारी आया ना भी इसके इतने पीस ले ले? ना जी, ना जी, ना जी। क्योंकि कई बार वीडियो बनाने जाते हैं, बहुत से भाइयों के पास मौका मिलता है तो पता चलता है भाई फलाना आता और 2.70 ला गया, 1.70 ला गया। नहीं, कभी करे नहीं अपने ये काम। अच्छा अच्छा, अगर कोई साथी लेने आए, हाँ जी, मान ले आपके बुल को पसंद आ जाए, अभी आपको मोबाइल नंबर भी डाल देंगे जी, तो कीमत क्या मांग रहे हो? थोड़ा बहुत अंदाजा देखो जी। हाँ, अपना तो मौका पे होएगा जी सारी बात, तो नहीं थोड़ा सा आईडिया तो दे दो, क्योंकि साथी वीडियो देखते हैं बाद में कमेंट आते हैं फिर। हाँ जी, बाकी 1.35 है जी। 1.35 जी, फिक्स रेट है? बिल्कुल जी। एक और बात हो रविंदर भाई, कई गांव में क्या होता है, जैसे आपके गांव में भी होगा, पंचायती बुल छोड़ दिए जाओ बढ़िया छोटे, लियाकन पंचायत लिया दिया है, भाई गांव में जो भैंसे उनकी डायरेक्ट क्रॉसिंग हो जाएगी, गांव के पशुओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ जी। अगर कोई पंचायत लेना है ये पंचायत, तो 10-12 आदमी आओगे, कोई एक आदमी धंधा नहीं ना है जी, ना जी। उस क्षेत्र भी रेट 1.35 होगा या फिर पंचायत का कुछ अलग सोचना? नहीं, पंचायत के बारे में कुछ अलग सोचना पड़ेगा जी। अच्छा, पंचायत का अलग मान सम्मान होगा। तो बिल्कुल भाई, रविंदर भाई ने आज पहुंचे हैं भाई साहब के पास गांव केवड़ा जिला कैथल में, 1.35 इसकी कीमत मांगी है। मदर का जो मिल्क रिकॉर्ड रहा 26 किलो 600 ग्राम 600 ग्राम इसका मदर मिल्क रिकॉर्ड रहा। अर्जुन कुंगड़ का सीमन है, कब आगे फादर इसकी फादर लाइन है, और 1.35 इसकी कीमत मांग रहे। अगर कोई पंचायत विशेष कर लेने आती है तो उसका बहुत बढ़िया मान सम्मान रविंदर केवड़ा भाई करने का काम करेंगे। अच्छा रविंदर भाई, इसके अलावा और कितने पशु अपने पास है फिलहाल?
अपने पास जी है जी, 4-5 पशु है जी। 4-5 पशु जी। ठीक है ठीक है। तो एक बार हम वीडियो हमारी समाप्ति की ओर है, अपना पूरा मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस और गांव में आपका क्यों, गांव में घर कहाँ पे है ये बता दो, कोई साथी अगर इच्छुक होगा वो आपसे संपर्क कर लेगा, लेने आ जाएगा जी। मेरा नाम है रविंदर तमर। हाँ, गांव के ओडक से। फादर साहब का नाम क्या है आपके? सरदार सिंह है जी। अच्छा, सरदार रविंदर सुपुत्र श्री सरदार सिंह जी, गांव के ओडक। गांव के ओडक है जी। हाँ, दन्नूपट्टी है। दन्नूपट्टी जी। मोबाइल नंबर और बता दो। मोबाइल नंबर है जी मेरा 90446 जी 13000। 90446 पूरा 13000 भाई साहब का मोबाइल नंबर है। तो जो भी साथी बिल्कुल इस बुल को लेना चाहे, 14 महीने की है जी। जी, 14 महीने की है। देख ले रविंदर, झूठ तो नहीं बोलता। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, देख ले, काम का कदे लोग अड़क। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 14 महीने इसकी बिल्कुल उम्र हो चुकी है। तो जो भी साथी लेना चाहता है भाई रविंदर तवर भाई साहब के सब पास संपर्क कर ले। आपको मोबाइल नंबर बता दिया। रविंदर भाई को राम राम कर दो सारे भाई। राम राम जी। राम राम भाई सभी भाइयों।